मेरा नाम डॉक्टर भागवत राजपूत है, मैं सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल में और प्रोफेसर हूँ WCMSR मेडिकल कॉलेज में। आज हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो काफ़ी लोगों में ये समस्याएं होती है, दैट इज़ अ पैनिक डिसऑर्डर। आजकल इसके पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पैनिक डिसऑर्डर है, इट्स अब्रप्ट सर्च ऑफ एक्यूट एंजाइटी और इंटेंस फियर, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाना, बहुत ज़्यादा डर लगना विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न, तो इसको पैनिक अटैक बोलते हैं। ये आमतौर पे जाना जाता है बहुत सारे सिम्टम्स है, जिसमें फिजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डर लगना, एकदम से घबराहट होना, पालपिटेशंस होना, चेस्ट में दर्द होना या नॉन स्पेसिफिक चेस्ट पेन होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, हाथ पैर ट्रेम्बल करना, सेक करना या नमनेस से फीलिंग हाथों पैरों में आना। इसके अलावा कि ऐसे लगना कि हम डिटैचमेंट और डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन हम बोलते हैं उसको। डीरियलाइजेशन मीन्स कि मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है वो रियल नहीं है, किसी सपने की तरह इस चीज़ का आभास होना। डिटैचमेंट और डीपर्सनलाइजेशन मीन्स जो मेरी बॉडी है, मेरा जो शरीर है, उसके ऊपर का जो मेरा अपना कंट्रोल है वो खो जाना। तो ये इनमें से कभी भी जब चार से ज़्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं और ये एक्यूटली होता है, विद इन 4-5 मिनट्स ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। 10-15 मिनट तक पेशेंट इस कंडीशन में रहता है या कभी कभी 1-1 घंटे तक भी मरीज को ये सब सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं मरीज के अंदर। पैनिक डिसऑर्डर हम तब बोलते हैं जब एक से ज़्यादा रिकरेंट पैनिक अटैक्स किसी इंसान में होते हैं 1 महीने से ज़्यादा के ड्यूरेशन के लिए। तो पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक में जो सिमिलैरिटीज़ है, आम जनता के लिए काफ़ी बार उनको लगता है कि ये सेम है, बट ऐसे होता नहीं है। द मोस्ट डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक्स में, जो पैनिक अटैक्स है दे आर अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जब ये अटैक्स होते हैं तो इंसान को पता नहीं होता कि ये कब हो रहे हैं और अचानक से घबराहट, बेचैनी, स्वेटिंग, पालपिटेशन, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम शुरू हो जाता है। जबकि एंजाइटी अटैक जो है वो उनके लिए कोई ट्रिगर फैक्टर होता है, जैसे कि किसी को एग्ज़ाम से डर लगता है तो हो सकता है कि उसको एग्ज़ाम हॉल में एंजाइटी अटैक आ जाए, किसी को प्रैक्टिकल में वाइवा से डर लगता है तो हो सकता है कि उसको वाइवा देते हुए एंजाइटी अटैक आ जाए। तो इट्स प्रेडिक्टेबल, एंजाइटी अटैक को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंजाइटी अटैक के लिए डायग्नोजेबल ट्रीटिंग सिचुएशंस होती है, अगर हम उनको अवॉइड करेंगे तो जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइटी अटैक है वो कम हो जाएगी। बट पैनिक अटैक में इट्स अनप्रेडिक्टेबल, ये आपको कहीं भी हो सकता है और फिर इंसान के मन में एक डर बैठ जाता है कि मुझे कहीं भी हो सकता है। ग्रेजुअली स्टार्ट अवॉइडिंग द प्लेसेस, ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस, क्योंकि उसको खुद पता नहीं होता कि कहाँ पे होगा। जो पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर है उसमें डॉक्टर की हेल्प की हमें तब तब ज़रूरत होती है जब सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो, पैनिक अटैक्स बार बार हो रहे हो और इस पैनिक अटैक की वजह से जो आपका ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है या प्रोफेशनल फंक्शनिंग है उस पर इम्पैक्ट हो रहा हो, या आप सोशल सिचुएशंस है जैसे कोई कल्चरल प्रोग्राम है, गैदरिंग्स है, इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हो, तो इसका जब सोशल और ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाता है, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर जब इम्पैक्ट आने लगता है, तो दीज आर द रीजन्स टू कंसिडर टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। पैनिक डिसऑर्डर्स का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जनरली मेंटल हेल्थ में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज और डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, दैट इज़ ICD एंड DSM-4 रिस्पेक्टिवली, इनके क्लिनिकल क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे पैनिक डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए एक से ज़्यादा का पैनिक अटैक का होना 1 महीने के ड्यूरेशन के लिए होना ज़रूरी होता है, और पैनिक अटैक का जो क्राइटेरिया है वो है कि एक्यूट इंटेंस अब्रप्ट फियर और एंजाइटी which increases within increases and reaches peak within 10-15 minutes, or it often lasts for 30 minutes or in few patients for 1 hours, which includes the different type of symptoms, जैसे कि breathing difficulties हो जाना, सांस ज़्यादा चलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, pounding heart palpitations या heart beats feel होना, पसीना आना, chest में pain होना, उसके बाद जैसे कि हमारे आसपास जो है ऐसे लगना कि real नहीं है, derealization फिनोमेना इसको बोला जाता है, डीपर्सनलाइजेशन कि मेरे अपने ऊपर का कंट्रोल कहीं खो तो नहीं जा रहा है, देर इज़ अ फियर ऑफ गोइंग मैड और गोइंग क्रेजी, देर इज़ अ फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम और डेथ, कहीं मेरी मौत ना हो जाए, तो इस तरह के पैनिक अटैक के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा उसमें और दो चीज़ें होती है, एक होता है कि हमेशा उस इंसान के मन में ये डर रहे ना
कि मुझे पैनिक अटैक हो जाएगा, मुझे पैनिक अटैक हो जाएगा। और दूसरा होता है, तीसरा होता है कि जो सोशल और जो ऑक्यूपेशनल उसका फंक्शनिंग है उस पर इम्पैक्ट आ जाता है, वो सोशल कल्चरल इवेंट्स एक्टिविटीज़ अवॉइड करना शुरू कर देता है इस डर से कि कहीं वहाँ पे उसको पैनिक अटैक हो गया तो क्या होगा। एक बार जब पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोज हो जाती है तो इलाज जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, क्या उसके साथ साथ कोई कोमॉर्बिड मेडिकल इलनेसेस है लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा या कोई और भी कोई बीमारी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, D3s, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स फॉर पैनिक डिसऑर्डर। कोई कोमॉर्बिड्स मेंटल इलनेस है लाइक ड्रग एडिक्शन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम वो पहले उन बीमारियों को भी साथ साथ ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जो पैनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द फार्माकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी, क्योंकि पैनिक डिसऑर्डर में जो न्यूरोकेमिकल्स में जो इश्यूज आते हैं दैट इज अ गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड, सीरोटोनिन एंड कॉर्टिसोल्स, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड ऑल्सो डोपामाइन इज इम्पैक्टेड। तो उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट होती है, अलग अलग तरह के मेडिसिन है जिनको हम जैसे सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स बोलते हैं, SNRI होती है, नासा मेडिसिन होती है, काफ़ी सारी मेडिसिन है, एंजोलिटिक मेडिसिन, बेंजोडाइजेपाइन्स होती है जो इमिडिएटली इम्पैक्ट करती है पेशेंट पे। अब आते हैं हम साइकोथेरेपीज़ पे। तो साइकोथेरेपीज़ में जनरली डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स है, नॉर्मली हम चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, उसमें डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा JPMR जैकबसन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती है जिसमें एक एक मसल को टेंस करना और रिलैक्स करने की टेक्निक्स बताई जाती है। उसके अलावा माइंडफुलनेस इज ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। माइंडफुलनेस हम पेशेंट को एज अ ऑब्जर्विंग हीज और हर थॉट्स एज अ न्यूट्रल एंड बिकम अ नॉन जजमेंटल, वन शुड बी नॉन जजमेंटल, एज वेल एज हम उसको फोकस करते हैं कि प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर का मत सोचो, एंटिसिपेट मत करो कि वो पैनिक अटैक होगा। उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज होती है बिकॉज इट्स अ डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन माना जाता है, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम उस फैक्टर पर भी काम करते हैं। तो ये चार थेरेपीज इंपॉर्टेंट होते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स में। पैनिक डिसऑर्डर ऑफन रिस्पॉन्ड वेल टू द मेडिकेशन एज वेल एज साइकोथेरेपी। ऑलमोस्ट 80% विल हैव अ गुड एंड पॉजिटिव रिजल्ट। 20% जिसमें सिचुएशंस होती है या कोमॉर्बिड इलनेसेस, मेडिकल और मेंटल इलनेसेस होती है, तो उन केसेस में थोड़ा लंबा समय लगता है, बट देर इज़ अ नो डाउट अगर एक क्यूर नहीं हुआ है उस 20% में तब भी उसमें वो इजीली कंट्रोल हो जाता है। ओनली थिंग दे रिक्वायर्ड अ रेगुलर मेडिकल मैनेजमेंट एज वेल एज साइकोथेरेपी सेशंस।